नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौज और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। घड़ी में बजने वाले हैं 5 और वक्त हो गया है हमारे खास शो 5 की आज का। आज सबसे पहले बात होगी मुस्लिम आबादी पर नियाज खान के बयान की और उस पर मचे सियासी बवाल की भी करेंगे हम बात। साथ ही बात करेंगे एमपी के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को लेकर प्रशासन के उस फैसले की जिस पर मच गया है घमासान। दुकानदारों को अपनी दुकान पर अब नाम लिखना होगा। बात करेंगे नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन की भी। एक बार फिर कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उधर मोहर्रम के जुलूस को लेकर अजब गजब तस्वीर भी अब सामने आई है। मोहर्रम के दौरान असामाजिक तत्वों ने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बात होगी मौसम की। बदले मौसम में अब डायरिया और मलेरिया ने पैर पसारने शुरू कर दिए। विस्तार से सभी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी की। एक बार फिर इस पर उठ रहे हैं सवाल। इस बार ये सवाल सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने उठाया है। नियाज खान का कहना है कि जिस तरह से देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। उधर इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने समर्थन किया है तो कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। मुस्लिम आबादी एक बार फिर सवाल। आईएएस नियाज खान ने भी उठाए सवाल। बढ़ती मुस्लिम आबादी, बढ़ रही समस्या। एक देश एक कानून है तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। आप कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। एमपी टू असम, मुस्लिम आबादी पर सवाल। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किसलिए? मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है, तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। एक बार फिर से मुस्लिम आबादी सवालों के घेरे में है। लगातार देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी अब हर वर्ग के लिए सवाल बनती जा रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। नियाज खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। जब तक मौलवी मदरसा सिस्टम चलेगा तार्किक सोच नहीं आएगी, केवल सही शिक्षा ही इसे नियंत्रित कर सकती है। मुस्लिम आबादी को लेकर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज या देश के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है। कुरीतियां, कुप्रथाएं किसी भी समाज की हों, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। और जब उसी समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग उनके खिलाफ आवाज उठाता है, चिंतन करता है, तो निश्चित ही ये स्वागत योग्य है। अल्पसंख्यक समाज के, मुसलमान समाज के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, सिर्फ मौलवी क्यों बने, ये एक लंबे समय से चर्चा का विषय है। और जनसंख्या विस्फोट किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए कोई सकारात्मक संदेश नहीं है। ऐसे में समाज के सभी वर्गों को एकत्रित होकर इन कुप्रथाओं के प्रति चिंतन करके इनमें बदलाव लाना चाहिए। कांग्रेस ने नियाज खान के बयान पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा नियाज खान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा था उन्होंने पटल पे, चर्चा हो तो मनसुख मांडविया जी ने कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री ने, कि आप इसको वापस ले लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण में हर समुदाय, हर धर्म के लोग योगदान दे रहे हैं, सबका जो रेट है, ग्रोथ रेट जो है वो गिर रहा है, घट रहा है। उसमें मुस्लिम समुदाय भी हैं, हिंदू समुदाय भी है, आदिवासी हैं, सब हैं। ऐसे में नियाज खान जी के स्ट्रीट को इतना महत्व देना
मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केंद्रीय मंत्री की बात को समझना। ये सिर्फ विवादास्पद स्थिति पैदा करने की बातें होती हैं। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना अलग दावा है। बीते दशकों में जिस तरह से हिंदू आबादी घटी है और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब समाज का हर वर्ग मान रहा है मुस्लिम आबादी पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नियाज खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर रायसेन के शहर काजी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि मदरसों में दीन और दुनिया की तालीम दी जाती है और बच्चा यहां से शिक्षित होकर निकलता है। जानकारी तो पूरी मुझे नहीं है, लेकिन मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में क्या है और ममालिक के अतबार से। दूसरा ये है कि मुस्लिम आबादी के लिए मदरसों का संचालन होना लिखा है, तो मदरसे एक अच्छी और बेहतरीन तालीम देते हैं और मदरसे से बच्चा अच्छा शिक्षित होकर निकलता है, जो उसको दीन और दुनिया दोनों की तालीमात मिलती है ना। मदरसे में कोई ऐसी तालीम नहीं दी जा सकती जिसको लोग उस पर आवाज़ उठाएं, नहीं ऐसा। और मुस्लिम आबादी को लेकर असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने राजस्थान से बीजेपी नेता मुकुंद आचार्य भी अब सवाल उठा चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है असम के सीएम का इस पर। बदलते डेमोग्राफी, मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किस लिए? मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है, तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। तो देश में एक कानून है जनसंख्या दिवस। पिछले दिनों एक भारी समस्या है ये जनसंख्या, जिस तरह से बढ़ रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है। जनसंख्या का कुछ एक अगर बात करें तो समाज तो है, लेकिन चार बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखते हैं, ऐसे अनगिनत हमारे पास मामले हैं। इस तरह के बयान दरअसल सियासी दलों की तरफ से लगातार आ रहे हैं और कहें तो इस मामले पर सियासत बदस्तूर जारी है। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो चार बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है, ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में विकास में सबका अधिकार है। पढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के अन्य इलाकों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी भी भ्रम से बचने के लिए होटल, ठेले पर फल या अन्य खाने पीने का सामान बेचने वाले लोगों से मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखकर लगाने को कहा है। ये निर्देश कांवड़ यात्रा रूट के लिए खासतौर पर जारी किए गए। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में आदेश जारी किया गया है। सहारनपुर मंडल के सभी कांवड़ मार्ग पर दुकानदार और रेहड़ी वालों को नाम लिखना होगा। अब तो आदेश को लेकर प्रशासन का कहना है कि दुकानदारों से स्वेच्छा से नाम लिखने को कहा गया है। आदेश का इरादा किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव पैदा करना कतई नहीं है, बल्कि केवल भक्तों को सुविधा देना है। अधिकारियों ने कहा कि अतीत में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कांवड़ मार्ग पर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों का नाम इस तरह रखा जिससे कांवड़ियों के बीच भ्रम पैदा हुआ और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। और कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के मामले का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विरोध किया है। पवन खेड़ा का कहना है कि यह आदेश मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए जारी किया गया, जिसे हम उन्हें नहीं देंगे। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो,
मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। तो मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन के आदेश पर विवाद हो रहा है, लेकिन बागपत के रेहड़ी ठेली और दुकानदारों ने इसका समर्थन भी किया है। इनका कहना है कि कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान करते हुए सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपने और कारीगरों के दाम लिखवाने चाहिए, ताकि कांवड़ियों को पता रहे कि उसने किसकी दुकान से सामान खरीदा है। इनका कहना है कि बाद में उपद्रव से अच्छा है कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मर्जी से नाम लिखते हैं। और भोपाल में मुजफ्फरनगर पुलिस बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि दुकानदार अपना नाम लिखेगा तो कांवड़िया वहाँ भोजन करेगा, खाना खाओगा, शिकंजी पीऊगा, उसे जो भी खाना पीना है उसके हिसाब से मिल पाओगा। कुछ कांवड़िया हैं पूछते हैं मेरा नाम, और बताना चाहिए, अपना आधार भी दिखाना चाहिए उनको। बहुत ही अच्छा काम है, देखो आज तक प्रतीक, आज तक किसी को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। यह आदमी मेहनत कर रहा, दही तोड़ा रहा, धूप मारा, कोई गड़बड़ हो गया, कोई खाने में गड़बड़ होगी तो उसका पता तो लगना चाहिए, किसी आदमी ने क्या करा उसकी पहचान तो होनी चाहिए। आदमी खा के चलता बना उसकी हालत बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बढ़िया फैसला है। जो प्रशासन आदेश देगा हमें वो ठीक है और मानने के लिए हम तैयार हैं। अब नाम पूछता है ऐसा कुछ नहीं है जी। और भोपाल में एक बार फिर से नर्सिंग कॉलेज घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अशोका गार्डन थाने पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अशोका थाने में रामचरितमानस का पाठ किया। विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी थाने में मौजूद रहा। हालांकि किसी भी तरह की वहां पर कोई अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली। और एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी है, उधर कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा करने वाली मधु शर्मा को कांग्रेस ने नोटिस जारी किया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये नोटिस जारी किया गया। मधु शर्मा को राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है। मधु शर्मा को अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। बता दें कि मधु शर्मा ने बैठक में हंगामा किया था, साथ ही अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप लगाया था। और कहा यह भी जा रहा है कि मधु शर्मा बैठक में बिना बुलाए पहुंच गई थी, उनको बैठक में शामिल होने ही नहीं दिया गया, जिस पर मधु शर्मा ने हंगामा कर दिया था। और अब आप मुहर्रम की, मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए। इस दौरान अजब और गजब नजारा भी देखने को मिला। मुहर्रम के जुलूस में एक शख्स फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आया, जिसको लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। उधर रायसेन में एक मोबाइल टावर पर हरे रंग का झंडा लहराता हुआ नजर आया। कौन बिगाड़ रहा प्रदेश का माहौल? मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा क्यों? शरारती तत्वों का बड़ा कारनामा, टावर पर लहराया हरे रंग का झंडा। मध्य प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम पर ताजिए निकाले गए। इस दौरान पुलिस समेत जिला प्रशासन की ओर से निगरानी रखी गई, लेकिन कुछ जगहों से अजब और गजब तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले बात खंडवा की, जहां मुहर्रम के दौरान एक शख्स फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है। आखिर कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की। आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा आज मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया, ये देशद्रोह है, उसी की श्रेणी में आता है। ये जो भी लोग हैं इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे। शिकायत पर सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
मैंने थाना प्रभारी मोगट को निर्देशित किया है कि तत्काल इसमें जांच करके अगर ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर इस पूरे माहौल को खराब करने की दिशा में ये काम किया है तो उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर रायसेन के बेगमगंज में शरारती तत्वों का कारनामा सामने आया है। मुहर्रम के दौरान एक मोबाइल कंपनी के टावर पर हरे रंग का झंडा फहराया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप मान नहीं रात को कुछ लोग इकबाल खान का रहा है, जो भी लोग रहे हों, तो ये 240 फीट का टावर है, कैसे चढ़ गए ये तो नहीं बता सकते अपन। खुदा ना खास्ता का गिर जाते, मोए का मर जाता, इसकी जवाबदारी कौन लेता? गार्ड वगैरह यहाँ कोई है नहीं है, हम लोग ड्यूटी करके चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं मौसमी बीमारियों की। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने के बाद अब डायरिया और मलेरिया ने पैर पसारने शुरू कर दिए। जांजगीर में बीते 3 दिन में 150 से ज्यादा डायरिया के पेशेंट्स मिले हैं। उधर कवर्धा में तेजी से मलेरिया फैल रहा है। मौसम की मार, डायरिया का कहर, जानलेवा डायरिया, 3 लोगों की मौत, 3 दिन मरीजों की संख्या 150 के पार, मलेरिया डायरिया अब अनकंट्रोल। बदलते मौसम के साथ ही ग्रामीण इलाकों में डायरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 3 दिन में कौसर गांव में डायरिया की वजह से 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। डायरिया के चलते बिगड़ी स्थिति का जायजा लेने के लिए विधायक शेषराज हरवंश ने दौरा किया। विधायक ने डायरिया को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इलाज को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा भिड़ा हुआ है, उसमें अपना पूरा ताकत झोंक दिया है, दवाइयां भी सारी व्यवस्था कर दी गई है और पूरे टाइम वहां पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वहां ड्यूटी दे रहे हैं। अस्पताल में भी पूरी तरह से उनकी साफ सफाई, उनके दवाइयों का व्यवस्था भारी मात्रा में किया जा रहा है और स्थिति कंट्रोल में है। ये मैं स्वयं जिस हिसाब से मैंने दौरा किया है, देखा है, पूछा है, स्थिति कंट्रोल में है। उधर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने भी गांव का दौरा किया और लोगों का हाल जाना। जिला प्रशासन की ओर से डायरिया पर नियंत्रण करने का दावा किया गया है, साथ ही हर घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। ब्लॉक पामगढ़ में जो स्थिति है डायरिया की, वो कंट्रोल के अंदर है। अभी वर्तमान में 24 लोग हमारे CHC में है जिनका डायरिया का इलाज चल रहा है, उनमें से सभी लोग खतरे से बाहर है और एक जो लोग है उनका गाँव में ही हम इलाज कर रहे हैं। गांव में हमने जो प्राथमिक शाला है वहां पर हमने एक कैंप टाइप का लगा रखा है, तो हम लोगों को प्राथमिक उपचार करके वहां से स्टेबल कर देते हैं। गांव में दूषित पानी की वजह से डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर PHE विभाग की ओर से टंकी की सफाई कराई गई है, साथ ही लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत कराने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर मरीजों की जाँच कर रही है। स्थिति में और सबकी स्थिति अभी सामान्य है। इस जिले के डायरिया पीड़ित क्षेत्र में कैंप लगाकर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं एवं वर्तमान में डायरिया की स्थिति नियंत्रण है। अभी डायरिया से मृत्यु सिर्फ एक ही बच्चे की हुई है,